ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, यमुना नदी के किनारे बसे एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वो रोज सुबह गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। यमुना नदी गहरी थी और उसमें पानी अधिक होने के कारण कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से लकड़हारा परेशान हो गया कि अब वो अपना जीविका कैसा चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वो दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से विनती करने लगा कि वे उसकी कुल्हाड़ी किसी तरह उसे वापस दिला दें। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे प्रार्थना करने लगा कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने फिर से अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है, क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं प्रभु, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा खुश हो गया और बोला, प्रभु यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारे की ईमानदारी की वजह से उसे सोने और चांदी की दो कुल्हाड़ियाँ मिल गईं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार रहें, ईमानदारी सदा सराही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।